हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही टेम्प्टिंग भी है। टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अ सिंपल येट सो टेम्प्टिंग रेसिपी ऑफ चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर। उन्हें हम ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे। साथ ही हमें चाहिए कुछ शिमला मिर्च, अदरक कसा हुआ, गरम मसाला, हरी मिर्च और करी पत्ता। साथ ही हमने यहाँ पे पनीर काट के रख लिया है। साथ ही हमें चाहिए कुछ मसाला जो कि हम सबके घर में अवेलेबल होता है, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गरम हो चुका है। हम जीरा डाल देंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे। हींग आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम बाकी खड़े मसाले डाल देंगे। अब हम करी पत्ता ऐड कर देंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे कटे हुए मिर्च जो कि तीखे बिल्कुल भी नहीं हैं। और यहाँ पे हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज के साथ अदरक भी ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को पकने देंगे। टमाटर को 1-2 मिनट तक सौते करने के बाद हम इसमें सारे मसाले मिला लेंगे। नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए हमारा मसाला पक गया है। टमाटर प्याज अच्छे से पक गए हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। अब हमें पनीर ऐड कर देना चाहिए। हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है और फिर हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो बाज़ार से लाए हो फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में बना हुआ क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए और पकाना है और हमारी चिली पनीर की सब्ज़ी सर्व करने के लिए रेडी है। आप चाहे तो इसे राइस के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए, खाइए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी का क्रेडिट जाता है मेरी सिस्टर नेहा को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।